नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। दोस्तों आज रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुलासा हुआ है यहां पर, और बड़ा खुलासा ये हुआ है दोस्तों कि यहां पे जो एग्ज़ाम हुई थी आपके स्विच ऑपरेटर और लाइनमैन की, उसके एग्ज़ाम में धांधली पाई गई है। जी हाँ, उसकी परीक्षा में धांधली हुई है। कुछ एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम सेंटर पर ही कैंसिल कर दिए गए थे, तो कुछ के एग्ज़ाम 60% से भी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन सेम टू सेम मिलने का चांसेस थे, चलते यहाँ पे एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है। पर मेन कारण क्या है ये अभी तक नहीं कर चर्चा किया गया है, और इसकी धांधली हुई है ये कहा जा रहा है। तो न्यायाधीश ने 4 हफ्ते में ही मांगा है जवाब। तो दोस्तों जो बिहार को शर्मसार कर रहे हैं उन सभी से कहना चाहेंगे कि प्लीज़ बिहार को अब बख्श दो और बिहार को आगे बढ़ने दो, क्योंकि ये जो लड़के हैं जो स्विच ऑपरेटर और लाइनमैन के एग्ज़ाम देने जाते हैं, ये पता नहीं किस किस गाँव से उठ कर जाते हैं पटना एग्ज़ाम देने। उनका पैसा लगता है, भाड़ा लगता है जाने में कहीं भी एग्ज़ाम को देने के लिए। तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि यार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ आप लोग ना करें और जल्द से जल्द इसका कुछ सॉल्यूशन निकालें कि यहाँ पे जो ऑपरेटर, स्विच ऑपरेटर और लाइनमैन की भर्ती निकली थी उस एग्ज़ाम को लेकर जो न्यूज़ आया है दोस्तों, मैं आपको उस न्यूज़ को भी दिखलाऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ एक बेल का आइकन आएगा उसे भी दबाएँ ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों रोज सुबह 5 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास दी जाती है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बैंकिंग की, एसएससी की या फिर रेलवे की किसी भी सेक्टर की तैयारी करते हो, इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। आपको पर डे मिलता है सुबह 5 बजे। और आपको बता दें कि पुलिस भर्ती जो निकली है उसके लिए आपको ये वीडियो बनाया गया है, तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। बंपर भर्ती है जो कि 11 फरवरी से 11 मार्च तक इसकी भर्ती शुरू हो जाएगी हर डिपार्टमेंट में। चलिए अब लेकर चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल न्यूज पे, जो कि हिंदुस्तान खबर में इसे छापा गया है और कहा गया है कि परीक्षा में गड़बड़ी पर बिजली कंपनी से मांगा गया है जवाब। जी हां दोस्तों, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में जो एग्जाम हुआ था आपका लाइनमैन और स्विच ऑपरेटर की बहाली को लेकर, उसमें बहुत ही बड़ी गड़बड़ी मामले सामने आए हैं, जिसमें कि हाईकोर्ट ने इस कंपनी से जवाब तलब किया है। और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने, जी हाँ न्यायमूर्ति हैं पटना हाईकोर्ट के, तो वो आशुतोष कुमार ने एकल पीठ ने जो है आशुतोष कुमार की एकल पीठ ने नीतीश कुमार एवं अन्य की ओर से दायर आरआईटी याचिका पर सुनवाई भी की, और साथ ही साथ बता दें कि कोर्ट ने पावर होल्डिंग कंपनी को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। तो जवाब मांगा गया है इस कंपनी से कि आखिर क्यों धांधली हुई है, और कोर्ट ने बताया है कि बहाली के लिए हुई परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। कुछ परीक्षा जो है एग्ज़ाम सेंटर पर ही कैंसिल कर दिए गए हैं, और कुछ के जो एग्ज़ाम है वो 60% का जो क्वेश्चन उनका पिछले एग्ज़ाम से मिलता जुलता रहा, इसलिए इसको कैंसिल किया गया है। तो दोस्तों ये कोई मैटर नहीं हुआ कि 60% से ज़्यादा अगर आपके क्वेश्चन मैच करते हैं पिछले एग्ज़ाम से तो कैंसिल कर दोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ के गए होते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। मेन कारण है आपका ये कि जो केंद्र पे ही इनका एग्ज़ाम रद्द हुआ है वो उसका कारण नहीं बताया गया है यहाँ पे। और जो वकीलों के संघ हैं उनसे 4 हफ्ते में इस निर्देश का यहाँ पे सामने रखने का, जो आरआईटी याचिका हुआ है उसकी सुनवाई के लिए 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है। और जो न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के वकील संघों को संयोजित करके समिति की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करने का भी फैसला दे दिया है, और कोर्ट ने वकील संघों को 4 हफ्तों के भीतर ही अपना पक्ष रखने का निर्देश भी दिया है। तो दोस्तों ये तो कोर्टबाजी होती रहेगी, जब भी बिहार में कोई वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी को होने से पहले बहुत लोग सेटर होंगे जो सेट कर देंगे, और बहुत सारे जो एग्जामिनर होंगे बैठ के एग्जाम दे देंगे, कितने लोगों का पैसे पर वहां पर नौकरी लगेगी, पर उनका कोई नहीं सोचता है जो छोटी छोटी पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपका लाइनमैन का हो गया, स्विच ऑपरेटर का हो गया, तो इन सभी पोस्ट के लिए शायद कोई सोच नहीं रहा है कि आखिर ये जो लड़के हैं जो बहुत गांव दूर से जाकर एग्ज़ाम देते हैं पटना में, वो कैसे आते हैं पटना, कहां से पैसे आते हैं, इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस इनका एग्ज़ाम निकाला, एग्ज़ाम लिया और इस एग्ज़ाम को पहुंचा दिया कोर्ट तक। अब ये कोर्ट 4 साल 5 साल के बाद इसका रिजल्ट सुनाएगी, तब तक पता चलेगा जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए थे उनका एज लिमिट ख़त्म हो गया है, तो उनको अब यहाँ सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा, फिर से उसी एग्ज़ाम को यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए निकाल दिया जाएगा और फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बिहार में। तो बिहार में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, बिहार शर्मसार क्यों हो रहा है, ये जवाब हम चाहते हैं नीतीश कुमार जी से। तो इस पर ज़रूर जवाब दें आप, और बिहार एसएससी को लेकर जो अभी तक संशय बना हुआ है उसका भी खुलासा करें आप लोग सभी। चलिए इस
वीडियो को यहीं विराम देते हैं, हमारे साथ बने रहें, आप इसका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।